हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है मेरी एनिवर्सरी, देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि अथर्व के पापा ऑफिस गए हैं और हम बाहर भी नहीं जा सकते शाम में, क्योंकि अभी यहाँ पोल्यूशन बहुत हो रहा है और हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, इसको थोड़ा कोल्ड हो जाता है, तो इसलिए हम बाहर भी नहीं जा सकते। तो देखते हैं घर पर क्या करते हैं, जो भी छोटा मोटा घर पर कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑफिस गए हैं तो टाइम कम मिलता है, ऐसे भी किसी को संभालना पड़ेगा तब हम कोई प्लानिंग कर सकते हैं। तो जो भी है वो थोड़ा बहुत जो करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। और पहुंच चुके हैं हम ज्वेलर्स की शॉप। आते ही इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दे दिया कि ये मुझे गिफ्ट में आज एनिवर्सरी गिफ्ट में देने वाले हैं इयररिंग्स। तो आ गए हैं हम शॉप पर लेने के लिए। जी हमारे बाल की ऐसी कर देते कुत्ता कुत्ता। हेलो गाइस, आ गए हम लोग घर वापस, हम ले आए हैं अपना गिफ्ट। चलिए गुड्डा को भी दिखा, आप सबको भी दिखाते हैं अपना गिफ्ट। ये मैंने लिए हैं, मुझे चाहिए तो छोटे छोटे जीन्स पर और सूट पर सब पर चल जाए, क्योंकि मैं हर तरीके की ड्रेसेस पहनती हूँ, तो मैं इसीलिए ये वाले लेके आई हूँ डेली यूज़ के लिए, ताकि अगर मैं थोड़ा बहुत कहीं जाऊँ, अदरवाइज़ तो मैं ये ले लिए हैं और डेली में पहनूंगी भी, बट मैं अपना फैशन नहीं छोड़ने वाली हूँ, इसलिए जब भी मुझे जिस ड्रेस के साथ जो ईयरिंग्स जाएंगे मैं वही पहनूंगी। बस मैंने ये ले लिए हैं क्योंकि उन्होंने मुझे दिलवाने थे, वो बोल रहे थे तो मैं डेली में पहनने के लिए ले लूँ, तो मैंने ये ले लिए, ताकि साड़ी सूट सब पर चल जाएंगे और जीन्स पर भी ठीक ही लगेंगे। और साथ ही में हमने एक और गिफ्ट चैंप लिया है, इसे चैपना ही बोलेंगे, क्योंकि ये मुझे ईयरिंग्स दिलवाने ले गए थे, बट मैं नोच पिन भी ले आई हूँ साथ में। ओ, मैं उल्टा दिखा रही हूँ मैं नोच पिन भी ले आई हूँ। ये एक्चुअली मेरे पास नोच पिन तो थी, बट उसका पहले एक थी जिसका नग निकल गया था, तो यहाँ नग डालते नहीं हैं, तो फिर वो भी वेस्ट हो गई। और एक ऐसी जो मैं लेके आई हूँ अभी, सेम ऐसी ही थी मेरे पास, अभी ही ली थी मैंने ये 2-3 महीने पहले, मगर वो मुझसे ना निकल गई थी, उसकी पीछे का डांट जो होती है वो निकल गई थी, तो वो मैंने उठाकर रख दी थी कि मैं इसमें डांट पड़वा लाऊँगी, बट उस दिन हम घूमने जा रहे थे तो मैंने सोचा इसमें डांट पड़वा ले करके आऊँगी, और मैंने अपने पर्स में रख ली, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई, वो मिली ही नहीं मुझे, तो इसीलिए मैं सेम वैसी ही लेकर आई हूँ अभी भी। मगर ये मैंने चैंपी है, वो मुझे सिर्फ ईयरिंग दिलाने ले गए थे, मगर उन्होंने बोला कि तुम अपनी नोच पिन अगर लेनी है तो ले लो, तो क्योंकि वो मिल नहीं रही है, पता नहीं घर पर ही है या खो गई, तो फिर तुम वो भी ले लो, इसलिए मैंने ये भी ले ली। और हम पहनेंगे अपना गिफ्ट और दिखाएंगे अपने पतिदेव को। और साथ में हम चैपी हुई चीज़ भी पहन लेते हैं जो हमने एक्स्ट्रा में मार ली थी, वो भी हम पहन ही लेते हैं इसको। ओ शिट, मुझे लग रहा है नाक बंद हो गया, तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, पहले इसको डाल लेती हूँ, इसके साथ मुझे जद्दोजहद करनी पड़ेगी थोड़ी। मैं कल दिन अपनी शादी को 4 साल हो गए, पता चली तुम्हें तो ज़्यादा, मैं तो पता चली, तुम्हें तो पता चली नहीं, मैं तो पता चली क्या पता चली क्या पता चला है आपको बेटा, क्या पता चला है इनको, देख रहे हो तुम कैसी बातें चल रही हैं यहाँ पे, ये आदमी सरेआम मेरी बेइज्जती कर रहा है, ये ब्रीला या फिर ना ये नाम है कहां से क्या देखना यहाँ पे, मैं जितना हंसूंगी उतना ही ये भी हंसेगा साथ में, ये ऐसे ही करता है हमेशा। नहीं मैं हंसूंगी तो बेकार में हंसूंगी, जल्दी आ जल्दी आ, निकाल ले गुड्डा।
बहुत है भैया, हमारी तरफ से जो भी है वो तुम्हें बाद में मिल जाएगा। लेट हो गया हमारा, हमारी तरफ से जो हम बनाना था वो संडे में बना देंगे। कटवाओ तो सही, संग में तो फूंकोगे नहीं? हम फूंकोगे परेशान है। ये लोग खवाएंगे जो मुझे पापा, मैं चटनी चाट लूं आज हमारे से खा लो। बोलो लो, बंद जो विचार मार रहा है यार, जल्दी ले इस तोड़ो पापा। वो कह रहा हूं तेरे तो बढ़िया केक सही होना चाहिए। कह रहा हूँ कि भैया बहुत बढ़िया केक है, बहुत टेस्ट अच्छा है, ठीक है। और तुम हमें रिव्यू बताइए, कहाँ से लाए? यही हमारे गली वाले से। अच्छा, गली वाले से लाए? हाँ, मैंने तो भैया हमसे भाई साहब रिव्यू बताइए। उंगली चाट लो, उंगली चाट लूंगी अभी। कितने सुकून से सो रहा है, बहुत ही ज़्यादा उदम मचाता है, फिर थक के आराम से सो जाता है, वो भी 10-15 मिनट के लिए, ज़्यादा देर नहीं सोता वो। हो गया नेक्स्ट डे, कल हम सो गए थे जल्दी क्योंकि नींद आ गई थी, बहुत थक गए थे हम लोग, तो फिर हम लोग सो गए। कुछ और मैंने नहीं किया शूट, और अथर्व सो गया तो मैंने अभी कैमरा उठा लिया क्योंकि वो सो जाता है तभी हम कुछ कर सकते हैं। इसी वजह से कल मेरा पूरा प्लान फ्लॉप हो गया था। मैंने प्लान किया था कि मैं थोड़ा बहुत कुछ कर लूँगी, सजावट कर लूँगी और ये वो, कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि ये पूरे दिन शैतानी करता रहा और घर पर कोई था नहीं कि इसको एक बंदा हैंडल कर ले तो मैं कुछ कर सकूँ, तो मेरी तरफ से कुछ भी नहीं हो पाया, मेरा पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। तो मेरे सारे प्लान फ्लॉप हो गए थे इसलिए क्योंकि कोई इसे पकड़ने वाला था ही नहीं, तो मैं एटलीस्ट कोई पकड़ने वाला होता तो मैं कुछ करती भी प्लान। और मैंने जो गिफ्ट ऑर्डर किया था वो ऑर्डर ही नहीं हो पाया, ऑर्डर किया क्या था ऑर्डर हो ही नहीं पाया क्योंकि क्या हुआ कि मैंने कार्ट में ऑर्डर कर दिया था, बट मैं इनको बोल रही थी एक बार देख लो कि तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है तो मैं कोई और मतलब ऑर्डर कर दूँगी। फिर वो उन्होंने कल देख लूँगा आज देख लूँगा कल करके, वो ऑर्डर ही नहीं हो पाया। तो आप कल ही ऑफिस से रुकेंगे, आज तो ऑफिस गए तो उसको मैं कल ऑर्डर कर दूँगी। बाकी और कोई तो मैं जो भी मैं घर पे खाना बनाती हूँ या जो भी करती और कुछ प्रिपरेशन करती तो वो भी नहीं हो पाई, कोई डेकोरेशन वगैरह कुछ भी नहीं करा मैंने क्योंकि अथर के साथ में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि ये बहुत शरारती हो गया है, तो इसको पूरे दिन देखना पड़ता है, कोई होता घर पर तो एक बार को मैं कर देती बट कोई था नहीं तो अकेले ही इसको देखना था, तो इसीलिए मैंने फिर मैं तो कुछ कर नहीं पाई, मुझे पता भी नहीं था कि वो कुछ प्लान करके आए हैं। तो फिर वो मुझे बाहर ले गए थे, घर के ही कपड़ों में चली गई फिर मैं क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, बाहर गए थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने इन्होंने मुझे बोला कि हम मैं तुम्हें इयर रिंग दिलवाने लेके आया हूँ गिफ्ट, तो फिर मैंने वो अपने तरफ से ले लिए थे। बोल रहे थे अगर पैसे तो मैं खुद भी ले जाता मगर फिर तो पसंद आते या नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं लिए, इसलिए मैं तुमको साथ में लेके आया था।
फादर अब सो गया है तो मैं अब चाय बना कर लेकर आई हूँ, चाय पी रही हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू सून।